अब आगे से ऊपर उठना है, नोट वापस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, वापस आगे से उठो, हाँ शांता जी, ये जो स्टीम थेरेपी चल रही है इससे कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है ना? गर्माहट जो लग रही है ना उससे हाँ जी, बहुत आराम लगता है। आराम मिलता है ना जी, बहुत आराम। हाँ शांता जी, ये जो अभी कपिंग थेरेपी कर रहे हैं इससे कैसे महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छे लग रहे हैं ना जी? चलो ठीक। ऊपर देखो पूरा सामने में पूरा ऊपर देखो, पूरा ऊपर देखो, पीछे देखो, इधर देखो,
जी शांता जी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी को दर्द हो रहा है? नहीं, एकदम से ठीक है जी। पहले कैसे कैसे दर्द होता था? पहले जो है ना, कमर से लेके पैर तक यहाँ तक पूरा दर्द होता, और थोड़ी दूर चलने पर ही ना बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता था, जिसके कारण लंगड़ाने लगते थे चलते चलते। और अब कोई इसमें साल में कोई लंगड़ाट नहीं? नहीं नहीं, कोई लंगड़ाट। और ऊपर कहाँ कहाँ दर्द होता था? ऊपर गर्दन में भी दर्द होता था, सर्वाइकल पेन, और यहाँ दर्द होके हाथ में भी दर्द आता था। अच्छा अच्छा, तो अभी अभी चलकर देखते हैं ना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं। ये शांता कुमारी की MRI रिपोर्ट है। इन्हें L4-5 और L5-S1 सिलिब्रिस के कारण कमर और पैर में असहनीय दर्द होता था, साथ ही C4-5 सिलिब्रिस के कारण गर्दन, कंधे और हाथों में भी असहनीय दर्द होता था। सिकर राजस्थान के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक न्यूरोस्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने इनकी MRI रिपोर्ट की जांच करने के बाद इनका आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से इलाज किया, जिसके बाद अब ये आराम से चल फिर पा रही हैं। तो चलिए शांता जी से जानते हैं इनके दर्द से लेके इलाज के बाद के आराम तक की कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शांता कुमारी है, मैं साहिबगंज झारखंड से आई हूँ। मेरे कमर में और ये कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था। और कब से था ये आपके प्रॉब्लम? 4 साल से। अच्छा अच्छा, तो आपकी MRI हुई जी, उसके अंदर आपको डॉक्टर ने, उसके अंदर मेरा L4, L5, S1 डिस्क बल्जिंग था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आपने वहाँ पर कहाँ कहाँ इलाज करवाया? मैंने पटना में भी कराया, भागलपुर में कराया और रांची में भी कराया। अच्छा अच्छा, तो कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया कि आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए सर्जरी के लिए। अच्छा अच्छा, तो अभी अभी आपका इलाज कहाँ हुआ है? अभी मेरा इलाज सीकर राजस्थान डॉक्टर योगेश शर्मा कायाकल्प हॉस्पिटल में इलाज मेरा हो रहा है। अच्छा, तो आज आज कितने दिन हो गए आपके? आज मेरे पूरे 12 दिन हो गए। और अभी अभी एकदम से ठीक है आपका दर्द? जी, अभी बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहाँ का जो इलाज का तरीका और जो यहाँ का हॉस्पिटल का माहौल कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और सभी मिलनसार भी हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और इलाज का तरीका कैसा लगा? इलाज का तरीका मुझे बेहतरीन लगा, और जगह से जी बेहतरीन। तो और जिसके भी इस प्रकार की परेशानी, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिसको भी इस प्रकार की परेशानी है, मैं उसे यही सलाह देना चाहूंगी कि एक बार आप राजस्थान सीकर डॉक्टर योगेश शर्मा के यहाँ आके आप यहाँ के हॉस्पिटल में एक बार ट्रीटमेंट अपना जरूर कराएं, और मैं यहाँ के इलाज से पूरी संतुष्ट हूँ।